बुग्गू को उसके अंदर ही घुस गया। बुग्गू बाहर निकल। ओए बुग्गू, लगता है इसको भी जाना है, सोच रहा है कि ये मेरे को भी अंदर लेके जाएंगे। देखो आया आया, मैंने बोला था ना आएगा, मेरी फर्स्ट आएगा। गुज 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 ये देखो हमारी पैकिंग हो चुकी है। बुग्गू तू भी चलेगा फतेहपुर? चलेगी मेरे साथ। एक्चुअली है तो ये फीमेल, लेकिन मेरे मुंह से पता नहीं क्यों मेल वाली लैंग्वेज निकलती है इसके लिए। करेगा चलेगा ऐसा मुझे बोलना चाहिए। बुग्गू तू भी चलेगी मेरे साथ? हाँ, चलूंगी, मेरे को भी लेके चलो। लेकिन बुग्गू वहाँ पे बिल्ली आती है तो क्या करेगा तू? अरे अरे, फिर तो मैं नहीं जाऊंगी, मेरे को बिल्ली मार डालेगी ना। तो फिर यहाँ पे तुझे अकेले रहना पड़ेगा। अकेले रह लूंगी, वो सब ठीक है, लेकिन मैं तो बिल्ली वाले घर पे नहीं जाऊंगी। मेरे को बिल्ली से बहुत डर लगता है भाई, क्या करूँ। अरे हाँ, कितना टेस्टी है यार, क्या खाया था लास्ट टाइम? हाथों से बड़ी अच्छा टेस्ट आ रहा है। कुछ नहीं बुग्गू, मैंने कुछ नहीं खाया था, मैंने बस कचरा फेंक के आया था। ए छी छी, कचरा फेंक के आया था। कुछ 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 कुछ। तो गैस, जैसा कि आपको पता है कि मेरा होम टाउन है फतेहपुर उत्तर प्रदेश, तो मुझे फतेहपुर उत्तर प्रदेश जाना पड़ रहा है। मतलब कोई इमरजेंसी नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया तो मैं अपने घर नहीं गया था, तो घर वाले भी बुला रहे हैं कि उनको याद आ रही है और मुझे भी याद आ रही है, तो मुझे घर जाना पड़ेगा। दिक्कत है बुग्गू वाली कि बुग्गू को कैसे लेके जाऊँ। एक तो ट्रेन का सफ़र है, तो यार मैं नहीं रिस्क लेना चाहता कि कुछ हो, कुछ भी तबीयत खराब हो जाए। और ना फतेहपुर में बहुत ज़्यादा बिल्लियाँ आती हैं, वहाँ पे नज़र झपकती बिल्ली अंदर घुस जाती, तो मैं इतना बड़ा रिस्क लेके नहीं जा सकता हूँ। देखते हैं कल क्या होता है, अगर मूड जमा तो ले भी जा सकता हूँ। खैर अभी तो कोई प्लानिंग नहीं है कि बुग्गू को ले जाने की, क्योंकि यार बुग्गू अभी यहाँ पे जैसा है खुश है, और यहाँ पे रहते हैं ना सर, तो सर बोल रहे थे कि वो इसको घास वगैरह खिला दिया करेंगे। बेचारे को कोई ज्यादा केयर की जरूरत नहीं, बस घास खिला दो और थोड़ा सा इसको सहला दो, प्यार कर दो, तो 9-10 दिन के लिए बताओ मैं इससे दूर रहूंगा यार। तो मैं अभी पैकिंग करने आ गया हूँ। अब बुग्गू देखो यार, बुग्गू भी मुझे प्यार कर रहा है, सोच रहा है यार ये चला जाएगा, इसीलिए अभी मुझे प्यार कर रहा है। कितने आराम से देखो, इसको भी पता चल जाता है। पता, जब हम कहीं जाते हैं ना, तो हमारे जो पेट होते हैं ना, उनको पहले ही पता चल जाता है कि अब ये कहीं जा रहे हैं। ये बात सही है, ये अंदर से ना फील कर लेते हैं, इनको ना लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, इनका ना अंदर का जो कनेक्शन होता है ना, उससे पता कर लेते हैं। चलो मैं पैकिंग करता हूँ। एक्चुअली ये जो कपड़े हैं ना, ये मैं घर पे ले गया था सर के घर पे कि वॉशिंग मशीन पे धुल लेंगे, लेकिन हुआ ये कि फिर धुल ही नहीं पाए, और धुल नहीं पाए तो मुझे ये गंदे कपड़े ले जाने पड़ेंगे जितने भी है। इस बैग में नहीं लेके जाऊंगा, उस बैग में ट्रांसफर कर ले जाऊंगा। मतलब ये बैग मैंने रख रखा है ताकि मैं यहाँ से घर तक सारे कपड़े इसमें इकट्ठा कर लूँ और घर ले जाके फिर धो लूँ। तब ये धुले नहीं है तो मुझे ऐसे लेके जाना पड़ेगा, वहीं पे धो लेंगे यार, ठीक है। फुग्गू कूलर का इंतजार कर रही है कि कब कूलर चले और ये कब हवा खाए ठंडी ठंडी, देख लो खिड़की में। लेकिन अभी मैंने कूलर बंद कर रखा है, वो इसलिए क्योंकि कूलर चलाऊंगा तो भर होगा और कुछ सुनाई नहीं देगा, ठीक है। तो मैं जल्दी से अपने ट्रॉली बैग ले आता हूँ। अगर आपको पता होगा कि मैंने एक रील बनाई थी जिसमें मैं भट्टे से गिर गया था, लेकिन अब मुझे चलाना आ गया। तो मैं सोच रहा था यार, पता है क्या, कि इसके ऊपर ही एक हैंडल होना चाहिए और ये ट्रॉली बैग होना चाहिए, हम जैसे पतले लोग ही लेकिन इसको चला सकते हैं। तो वो भी कैसे बताता हूँ, ऐसे ले जाओ, ठीक है। और जब जब लगे कि बहुत ज्यादा थक चुके हो तो ऐसे बैठ जाओ और जुई 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 चले जाओ ऐसे। वैसे यार मजा तो बहुत आता है, लेकिन बैग ना टूट जाए। बस बैग नहीं टूटना चाहिए, मैं चाहे जितना टूट जाऊं लेकिन बैग नहीं टूटना चाहिए। वैसे मजबूत क्वालिटी का है, अमेरिकन टूरिस्टर। मैं कोई प्रमोशन करने वाला हूँ क्या यार? मैं आयु के बचपन का स्वेटर लेके आया था, वो पता है किस लिए? ताकि मैं ना कोई जानवर खरीदता हूँ तो उसको पहनाऊंगा। बुग्गू को तो ये होगा नहीं, मैंने सोचा था जब टॉय पॉम लाऊंगा तो उसको पहनाऊंगा। तो मैं कितना बड़ा हो गया, पहले कितना छोटा हुआ करता था ना मैं। मेरी आदत थी, मैं कहीं भी घुस जाता था, जैसे ड्रम वगैरह या घर पे कोई नई बाल्टी आती थी तो मुझे बड़ा शौक होता था कि मैं उसमें बैठ जाऊं। यार मुझे जानवर पसंद है, तो मुझे लग रहा है ना मेरी हरकतें भी बचपन में जानवर जैसी थी। मैं ट्रॉली बैग वगैरह है इसके अंदर घुस जाता था पूरा और पैक हो जाता था। वही चीज आज याद आ रहा है मुझे। अरे मेरे को देखो यार, बहुत सुंदर है। ए बुग्गू तू इस पर नहीं आएगा? अरे एक दिन तो बड़ी हो जाऊंगी ना, तो पहन लूंगी, बहुत सुंदर लगती है मुझे रेड कलर। अरे बुग्गू तू पागल है, तू इतनी बड़ी नहीं हो पाएगी, दे दे, तेरी बहन लाऊंगा या भाई लेके आऊंगा। अच्छा ठीक है फिर। पता नहीं क्या करता रहता है, देख ले यार क्या कर रही है ये, स्वेटर के साथ खिलवाड़ खोदने में लगी। ओए खोदने की चीज है, डरपोक डर गई। निचवाड़ा के घर और इस पिटारे को करते हैं खाली।
आजकल देखो मैं अपनी ना अलमारी कितनी सेट करके रखता हूँ। आज बड़े दिन बाद खोली तो मुझे लग रहा था यार मैंने इतना सेट करके कैसे रखा। नहीं तो पहले ऐसे रखता था कि जब भी कोई कपड़े निकालने होते थे सब नीचे गिर जाते थे। अब देख लो, अब मतलब अभी भी थोड़ा थाड़ा सा है जो भी है, लेकिन अब पहले से काफी बेहतर है। सारे मैं बिल्कुल सेट करके रखता हूँ। देखो अलमारी, देखो और बुकू का बेड है जो बाद में दिखाऊंगा। अब मुझे क्या क्या लेना है, ये वाली शर्ट ले लेता हूँ। वैसे वहाँ पे 4-5 दिन के लिए जाना है। मेरे पास जीन्स नहीं है यार, मेरे पास ना फैली वाली जीन्स नहीं है। फैली वाली मतलब पैजामा वाली जीन्स, अरे यार बैगी जीन्स नहीं मेरे पास। मैं ना पुराने सदियों में जी रहा हूँ, 2018-16 पे जी रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास सारी चिपकी वाली जीन्स है। एक तो मेरी पतली पतली टांगे और बस इतने कपड़े काफ़ी होंगे और टी शर्ट। ओए बुग्गू नीचे बाहर, बुग्गू देख लो इसके काम, देख लो कहाँ घुस गई है। अभी दरवाजा बंद करूँगा, देखना कैसे। बुग्गू जल्दी भाग, बुग्गू तू अंदर बंद बंद आजा। हाँ, कुछ खाने का था, क्या खटपट कर रहे थे? वो तो तुझे बुलाने की ट्रिक है। बुग्गू को उसके अंदर ही घुस गया। बुग्गू बाहर निकल, ओए बुग्गू, बुग्गू इधर आजा, आजा मेरे पास आजा जल्दी। लगता है इसको भी जाना है, सोच रहा है कि ये मेरे को भी अंदर लेके जाएंगे। देख बाहर निकल जा चुपचाप, मैं देख रहा हूँ कब से, जब जब मैं कपड़े निकाल रहा हूँ कभी उसके अंदर घुस रहा है कभी उसके अंदर घुस रहा है। अब देखो वहां से निकला वहां घुस जाएगा ये। ये देखो हमारी पैकिंग हो चुकी है, हिक्कू को अंदर डाल लिया मैंने। बस जूते भरने हैं और जूते रख लूंगा, हो गई पैकिंग। The next day. भी सुबह हो चुकी है और बुग्गू की शरारतें शुरू है, क्योंकि पता है सुबह होते ही पता नहीं क्यों बुग्गू ना ऐसे मुझे अपने पास बुलाता है। ठीक है, वो चाहता है कि मैं उसके पास जाऊं, तभी देखो हमेशा ऊपर से आ जाता था। तो मैंने ना ऊपर क्या लगा दिया है, क्योंकि यार ये बहुत सुबह सुबह मुझे जगाने की कोशिश करता है। अभी 5 बज रहे हैं और देख लो ये ऐसे काम करता है। अभी देखना कैसे निकलेगा, ऐसे निकल के ना जंप करके इधर आ जाता है बुग्गू। अरे गुड मॉर्निंग, कब तक सोएंगे? उठ जा रे। उठ गया हूं बुग्गू। बुग्गू बुला रही है मिलने को, चलो बुग्गू से मिल लेते। आजा आजा बुग्गू, मिलना ही है तो आजा। आज क्यों मिले बुग्गू? अरे खाने को नहीं लाना कुछ? अब सुबह सुबह से तुझे खाने को चाहिए। अच्छा ठीक है, आ जाती हूँ। मिला बुग्गू तू, मिला छूना तू, मिला हिला तू। हाँ मालिक बहुत अच्छा लग रहा है मालिक, थोड़ा सा और कर देते तो मजा आ जाता मालिक। ये ना मैं ना वाली मेमिक्री कर रहा हूँ, जो नहीं आजकल जानवरों की मेमिक्री होती है इंस्टाग्राम पे, बिल्कुल वैसे ही। तो बुग्गू अभी यहाँ पे है, चलो दरवाजा खोल देते हैं, बेचारा थोड़ा आएगा खेलेगा कूदेगा है ना। तो हम गए थे कचरा वाले जगह पे। कचरा वाले जगह पे मतलब यहाँ पे ना पुराना सामान मिलता है, जैसे कि पुराने लोहे वो गए के एक बड़ी सी फैक्ट्री है जहाँ पे हर पुरानी खिड़की वगैरह साइकिल सब कुछ मिलता है, ऑल इन वन मतलब सारा पुराना आइटम मिलता है। तो वहाँ पे एक पैकेट के अंदर पड़ा हुआ था नीचे, मैंने अगल बगल देखा कोई नहीं है, वो पैकेट उठाई सीधा अंदर रखा छुपा के। और यार मेरे अचंभे में, मेरे ना पॉकेट इतनी बड़ी कैसे थी, मेरी एक जींस है उसकी पॉकेट इतनी बड़ी है पिछवाड़े की। तो पीछे वाली जेब में जस्ट रखा और ऊपर से शर्ट को नीचे कर दिया और किसी को पता ही नहीं चला और इसको लेके घर आ गया। और ये बुग्गू के विंडो के काम आ जाएगी यहाँ पे है ना। तो बुग्गू सुबह सुबह मेरे को नहीं जगा पाएगा। और मैं भी आपको पहले टाइम दिखा दूँ, 5:39 बज रहा है देखो सुबह के। और आज इसलिए जल्दी जगा हूँ क्योंकि फार्म हाउस जाऊँगा, बेचारे डैमी से मिलूंगा यार, क्योंकि फिर 10 दिन बाद ही आ पाऊंगा। और देखो अभी भी पूरी तरीके से दिन नहीं हुआ है। इतनी खुश है यार ये सुबह सुबह से बहुत ज्यादा। पता है सबसे ज्यादा है ना सुबह सुबह एक्टिव रहती है, भागती है खेलती है कूदती है, कुचिर पुचिर करो इसको। तो अभी फार्म हाउस जाऊंगा, ब्रश व्रश कर लिया फार्म हाउस जाऊंगा, डेविस मिलूंगा, फिर वापस आके तैयार होके सीधे निकल लूंगा और रास्ते भर व्लॉग बनाएंगे। आज बिना शर्माए मुझे व्लॉग बनाना है। ठीक है चलो तभी मिलते हैं रास्ते में। देखो फार्म हाउस के बाहर ये वेट कर रही थी हमारे आने का, हम आ गए, अब इसको खिला रहे खाना। बाकी बहन भाई और इसके माता पिता पता नहीं कहाँ रह गए, अकेले ही चली आई। आज हम जल्दी आ गए ना, बहुत सुबह जब आ गए सब खा गई। देखो ये कुछ भी खा लेते बेचारे, रोटी वगैरह। एक हमारे डैमी के नखरे देख लो, पेट पालने के लिए सब खाना पड़ता है, नहीं तो मरना चाहूं। डैमी देखे क्या कर रहा है, अभी भाग के आएगा वो। हाँ वो डैमी आ गया। नौजू तू चली जा यहाँ से। अरे अब ये आ गई, अब तो सब खत्म हो गया, अब क्या करें। देखो डैमी अभी बुलाने गया।
देखो डेमिया भी बुला के लेके आया है, बताओ कितना समझदार हो गया। उसके प्राण निकले जा रहे हैं बाहर, कुत्ते बैठे ना, तो सोच रहा होगा मेरा सारा प्यार आज ये लोग कुत्ते को लुटा देंगे, इसलिए वो ना पता है बुला के लेके आया है। देखो हर सितारा आपको ये आ रहा है, ये कैसे नींद में इसकी शक्ल देखो, शक्ल में 12 बजे अभी तो जल्दी से बिगड़ जाएगी सबकी। चलो चलो अरे भागो अरे भागो, आ जाओ रुको रुको रुको, आ जाओ, भगाना पड़ता है इसको पहले हमें, नहीं तो बाहर निकल गया और दुर्घटना घट जाएगी फिर। अच्छा हटी और दुर्घटना घटी, आ जा अब प्यार करेगा। प्यार कराएगा देखो, मेरे पास आएगा देखना अभी थोड़ी देर में, जब मन भर जाएगा फिर मेरे पास आएगा। आया नहीं आज, क्या बात है, गुस्सा हो गया क्या? आया आया, मैंने बोला था ना आएगा, मेरी पोछ आएगा, गुज 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 टूई टूई से लगाता है, टूई टूई कुछ 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 गुज 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 गुज। चलो खेलने के मूड में है, चल भागो भागो, पकड़ो 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 पकड़ो। अरे फोन खा जाएगा तेरे, इसने फिर नहीं खाना खाया तेरा खाना, फिर बाहर के कुत्ते खिला दूंगा, जा अरे अरे अरे। चलो अब इसका खाना पहले बाहर वाले कुत्ते को खिला के आ जाऊं, इसको पता है ना कल का बासी खाना है तभी खाएगा, इसमें चींटी वगैरह भी पड़ गए हैं और बाहर के कुत्ते बेचारे खा लेंगे। खा ले डेमी, तेरे लिए आज ही खाना है, खा। अरे खा रहा है, खा ले खा ले खा ले खा ले, नहीं खाएगा नहीं खाएगा, इसको ताजा खाना चाहिए होता है हमेशा, और बाहर के कुत्तों को दूंगा देखना वो देखते ही टूट पड़ेंगे और खा जाएंगे कैसे। चलो दे देते हैं बाहर के कुत्तों को। नो डेमी गो गो गो, नो यहाँ पर नहीं आना, नो बोलो ना तो वहीं पर रुक जाता है। देखो डेमी गया, समझदार तो हो गया बस, ये बैठे और बंद तो कर ले जल्दी से, ये लोग लड़ती हैं इसलिए इनको दूर दूर देना पड़ता है। एक को थोड़ा यहाँ पर डाल देता हूँ, एक को थोड़ा यहाँ पर डाल देता हूँ, दोनों खाएंगे मजे से, वो खाएगी बेचारी बहुत सीधी है ये। ओए तू भाग यहाँ से, तू खा चुके है, हाँ तू भी खा ले वेरी गुड, खाने दे रही नहीं तो ये इसको भगा देती है, पता है ये बड़ी चालाक है, बचपन से ही ये क्या करती थी, खाती थी पर खाती थी पर खा के खाती थी पर खाती थी। वो देखो चल तू भाग यहाँ से, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है इस तरह के लोग, चलो थोड़ी देर सफर कर, तू खाने दे उसको जी भर के, तू खा चुकी है, अगर इसने किया ना तो रिकॉर्ड में आ रहा हूँ, ये आ रहे हैं और दूर, अगर इसने उसको कुछ बोला ना तो इसको पट्टे से रखूँ, बस अगर इसने उसको खाना नहीं खाने दिया ना तो मैं इसको पट्टे से मार दूंगा। अपना खाना ये हमेशा से ऐसा करती, जब भी मैं दोनों को अलग अलग खाना देता हूँ, अपना छोड़ के पहले उसका खाती है, उसका खाने के बाद फिर अपना खाती, फिर उसको नहीं खाने देती है, खाते थे वहीं छीट दिया, यहीं छीट दिया, आज उसको नहीं खाने जब तक वो खा नहीं लेकिन। चलो गाइस हो गया, हमने डेमी का खाना खिला दिया है और आज मैं जा रहा हूँ फतेहपुर, इसलिए आज जल्दी जल्दी रिकॉर्ड कर लेता हूँ, फिर वहाँ पे व्लॉग एडिट करके डालूंगा, ठीक है, अब आऊंगा 10 दिन बाद। आ, नहीं जाने क्यों? का नहीं जाने का, क्यों तुझे मेरी याद आएगी? हाँ। कैसे रोएगा, क्या रोएगा? नहीं जा रहा हूँ सही में, मेरे टिकट हो गया आज का, सर से पूछ लेना। नहीं करता सेट, गर्मी का खाना हो गया तैयार, ये देखो अब इसको खिलाता हूँ। सेकंड, ये कौन सा सेकंड है, खाओ। क्या करने आया यहाँ पे, जा जा यहाँ से, खा रहे खीरा बेचारा फंस गया बीच में, खा रहा है, अरे पंजा लगा रहा है भाई, चलो इसने खाया तो सही खीरा, खीरे इनको बहुत पसंद होते हैं, बचपन से खीरा खा के बड़े हुए ना इसीलिए। Thank you.